हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल मैथमेटिकल पाठशाला। आज हम गेट 2018 में एलपीपी से जितने सारे प्रॉब्लम आए हैं वो हम सॉल्व करेंगे। गेट 2018 में टोटल 3 क्वेश्चन आया था, जिनमें से 1 क्वेश्चन था 1 मार्क का और 2 क्वेश्चन था 2 मार्क्स का, तो मतलब टोटल मिला के 5 मार्क्स आया था। ठीक है, ये पहला क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन नंबर 12। इनमें बोला है कि फॉर ए लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स। ठीक है, तो उनमें से ए क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए सबसे पहले मैं ये थ्योरम पे जाती हूँ कि ये जो होती है फंडामेंटल डुअलिटी थ्योरम। फंडामेंटल डुअलिटी थ्योरम के अकॉर्डिंग अगर किसी प्रॉब्लम प्राइमल और डुअल किसी भी एक के पास अगर फाइनाइट ऑप्टिमल सॉल्यूशन होता है ना, तो अदर प्रॉब्लम के पास भी फाइनाइट ऑप्टिमल सॉल्यूशन होगा, और उसके साथ ऑब्जेक्टिव फंक्शन के लिए जो ऑप्टिमल वैल्यूज होगा वो भी सेम आ जाएगा। ठीक है, अब ये दूसरे स्टेटमेंट में बोलती है कि आइदर प्रॉब्लम हैज अनबाउंडेड सॉल्यूशन। अगर किसी प्राइमल और डुअल किसी एक के पास अगर अनबाउंडेड सॉल्यूशन होता है तो अदर के पास नो फिजिबल सॉल्यूशन हो जाएगा। ठीक है, तीसरे स्टेटमेंट में बोलती है कि बोथ प्रॉब्लम्स कैन बी इनफिजिबल। मतलब अगर प्राइमल के पास नो फिजिबल सॉल्यूशन होता है तो डुअल के पास भी नो फिजिबल सॉल्यूशन हो सकता है। एक्चुअली प्राइमल अगर जब प्राइमल प्राइमल के पास जब नो फिजिबल होगा नो फिजिबल सॉल्यूशन, तो अब डुअल हो जाएगा। डुअल डुअल के पास दो पॉसिबिलिटीज होती है, डुअल हैज आइदर अनबाउंडेड और नो फिजिबल सॉल्यूशन होता है डुअल के पास। तो इसीलिए यहाँ पे प्राइमल के पास नो फिजिबल है तो डुअल के पास भी नो फिजिबल सॉल्यूशन हो सकता है। ठीक है, अब हम यहाँ पे चलते हैं क्वेश्चन में। क्वेश्चन में पहले ऑप्शन में बोला है कि अगर किसी कॉन्स्टेंट इक्वालिटी होती है तो कॉरस्पॉन्डिंग डुअल वेरिएबल अनइन्वेस्टिगेटेड साइन हो जाएगा। ये तो डुअलिटी की डुअल की प्रॉपर्टी है, ये तो ट्रू स्टेटमेंट है। ठीक है, अब बोथ प्राइमल एंड डुअल कैन बी इनफिजिबल, ये हमने थियोरम से देखा है कि ये भी ट्रू स्टेटमेंट हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद ऑप्शन सी में बोला है कि अगर प्राइमल अनबाउंडेड होता है तो डुअल इनफिजिबल, ये भी थियोरम में था, ये भी ट्रू स्टेटमेंट हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद बोला है कि अगर प्राइमल और डुअल फिजिबल है तो ऑप्टिमल वैल्यूज जो होगा वो प्राइमल और डुअल के लिए सेम आ जाएगा। यहाँ पे लिखा है कैन डिफर। ठीक है, तो यह हो जाएगा हमारे पास फॉल्स स्टेटमेंट। इसके बाद आती है क्वेश्चन नंबर 39, जहाँ पे एक लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम हमारे पास गिवे है और यहाँ पे टू वेरिएबल्स है, जो टू वेरिएबल्स X1 और X2 है। अल्फा जो है वो हमारे पास ऑब्जेक्टिव फंक्शन में प्रेजेंट है, वो एक कॉन्स्टेंट है, और बोला है कि 3 0 इज द ओनली ऑप्टिमल सॉल्यूशन। ये ओनली ऑप्टिमल सॉल्यूशन, दिस वन इज द वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड। देन अल्फा की रेंज पूछा है कि अल्फा कहाँ से कहाँ पे लाई करेगा। ठीक है, तो इसके लिए सबसे पहले मैं इसको ड्रॉ कर लेती हूँ। तो ये X1 है, ये ओरिजिन है और ये X2 है। तो पहले कांस्टेंट के लिए X1/3 एंड X2/6, तो कॉरस्पॉन्डिंग ये एक स्ट्रेट लाइन, इस तरीके से एक स्ट्रेट लाइन आ जाएगा। ये है कॉरस्पॉन्डिंग टू द पहला कांस्टेंट। ठीक है, इसके बाद X1/-1 एंड X2/1, तो इस तरीके से ये एक स्ट्रेट लाइन आ जाएगा कॉरस्पॉन्डिंग टू दूसरा कॉन्स्टेंट, और X1/4 एंड X2/4, ठीक है, ये इस तरीके से एक स्ट्रेट लाइन यहाँ पे आ जाएगा। ये आ गया हमारे पास तीसरा कांस्टेंट। ठीक है, अब सारे कांस्टेंट में लेस इज इक्वल टू बोला है, तो करोस ये टू वर्ड्स द ओरिजिन आ जाएगा। ठीक है, एरोस जो होगा वो टू वर्ड्स द ओरिजिन। सो हमारे पास ये रीजियन जो है, ये रीजियन आ गया फिजिबल रीजियन। इस फिजिबल रीजियन की 5 कॉर्नर पॉइंट्स है। 5 कॉर्नर पॉइंट्स में से ये है एक, ये इसका कोऑर्डिनेट है कॉरस्पॉन्डिंग टू द फर्स्ट कॉन्स्टेंट, तो ये 3 0 आ जाएगा। यहाँ पे ये बी है जो 1 एंड 3 का इंटरसेक्शन है। 1 और 3 का अगर इंटरसेक्शन हम निकालेंगे यहाँ से तो ये आ जाएगा 2 2। अच्छा, इसके बाद ये सी है, ये सी जो है ये 3 एंड 2 का इंटरसेक्शन है। अगर 3 एंड 2 का इंटरसेक्शन हम निकालेंगे यहाँ से तो ये आ जाएगा 5/2 एंड 3/2, सॉरी ये आ जाएगा 3/2। ये आ जाएगा 3/2 एंड 5/2। ठीक है, इसके बाद ये जो डी है इसका कोऑर्डिनेट आ जाएगा 0 1। ठीक है, ये है टोटल 5 पॉइंट्स और ओरिजिन भी है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे जेड का वैल्यूज निकालेंगे। तो जेड एट द पॉइंट 0 0, ये तो 0 आ जाएगा। ठीक है, जेड एट द पॉइंट 1 0, सॉरी ये 0 1 हो जाएगा, 0 1 पे आ जाएगा 1। जेड एट द पॉइंट 3 0, यहाँ पे आ जाएगा 3 अल्फा। ओके,
जेड एट द पॉइंट टू टू इनमें आ जाएगा टू अल्फा प्लस टू एंड जेड एट द पॉइंट थ्री बाई टू फाइव बाई टू, यहाँ पे आ जाएगा थ्री अल्फा बाई टू प्लस फाइव बाई टू। ठीक है, अब सारे सॉल्यूशन निकल गया। अब इन्हें यहाँ पे बोला है कि 3 0 जो है वो है ओनली ऑप्टिमल सॉल्यूशन। ठीक है, ऑप्टिमल सॉल्यूशन इसी वर्ड से पता चलता है कि जेड मैक्स की जो वैल्यू आ जाएगा, जेड मैक्स की जो वैल्यू आ जाएगा वो आ जाएगा 3 अल्फा। ठीक है, कहाँ पे होगा? 3 0 पॉइंट पे। ठीक है, जेड मैक्स की, और ये ओनली ऑप्टिमल सॉल्यूशन है। ओनली वर्ड जो है ये इम्प्लाई करती है कि फिजिबल, सारे फिजिबल सॉल्यूशन के लिए जेड की जो वैल्यूज आया है वो सारे वैल्यूज जेड मैक्स से छोटा है। ठीक है, मतलब सारे वैल्यूज के लिए जेड जो आएगा वो जेड मैक्स से लेस, इज इक्वल टू भी नहीं होगा, स्ट्रिक्टली लेस देन होगा। ठीक है, स्ट्रिक्टली लेस होगा तभी ये ओनली ऑप्टिमल सॉल्यूशन होगा। ठीक है, तो अगर यहाँ से क्या मिलता है हमें कि जो 0 आएगा वो लेस देन 3 अल्फा। ठीक है, यहाँ से रेंज आ गया, फिर यहाँ से आ जाएगा 1 जो आएगा वो लेस देन 3 अल्फा। ठीक है, इसके बाद आ जाएगा 2 अल्फा प्लस 2, ये लेस देन 3 अल्फा। ठीक है, इसके बाद आ जाएगा 3 अल्फा बाई 2 प्लस 5 बाई 2, ये भी लेस देन 3 अल्फा। ठीक है, तो यहाँ से ये मिल गया हमें कि अल्फा ग्रेटर देन 0 है, अल्फा ग्रेटर देन 1/3 है, अल्फा ग्रेटर देन 2 है, और यहाँ से मिल गया अल्फा ग्रेटर देन 5/3। अब 4 रेंज मिल गया हमें। अब इन 4 रेंज में से कौन सा रेंज सारे कॉमन रेंज में आ रही है वो निकालना है हमें। तो ये अगर 0 होता है, ये अगर आती है हमारे पास 1/3, ये 2, ये 2 नहीं, ये 5/3 है। ये अगर 5/3 होता है और अगर ये 2 होता है तो ये अल्फा ग्रेटर देन 0, मतलब ये रीजियन अल्फा ग्रेटर देन 1/3, ये रीजियन अल्फा ग्रेटर देन 5/3, ये अल्फा ग्रेटर देन 2, ये रीजियन। तो मतलब ये अल्फा ग्रेटर देन 2 है, ये जो है ये कॉमन रीजियन मिल रहा है हमें। सो यहाँ से अल्फा जो आएगा वो ग्रेटर देन 2। ठीक है, ये रीजियन मिल गया हमें। सो ऑप्शन डी जो है ये आ गया हमारे पास करेक्ट ऑप्शन। इसके बाद आती है क्वेश्चन नंबर 55, जो जहाँ पे एक ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम गिवन है। ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट जो है पर यूनिट ये यहाँ पे गिवन है। अब ऑप्टिमल कॉस्ट पूछा है ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। ठीक है, तो ऑप्टिमल कॉस्ट निकालने के लिए यहाँ पे कोई पर्टिकुलरली मेथड मेंशन नहीं किया है कि IVFS कहाँ से निकालना है। तो हम यहाँ पे VAM यूज़ करेंगे, VAM यूज़ करके यहाँ से IVFS निकालेंगे, फिर इसका ऑप्टिमालिटी टेस्ट करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे वैम लगाते हैं। तो वैम लगाने के लिए सबसे पहले हमें निकालना पड़ता है पेनाल्टीज। यहाँ पे भी पेनाल्टीज निकालेंगे और यहाँ पे भी पेनाल्टीज निकालेंगे। पेनाल्टीज क्या होता है? पेनाल्टीज होता है कि जो कॉस्ट, यहाँ पे जो कॉस्ट मैट्रिक्स हमारे पास गिवन है, तो इसी पहले रो वाइज, पहले रो मतलब रो और कॉलम वाइज जो लीस्ट कॉस्ट होगा और जो सेकेंड लीस्ट कॉस्ट होगा उनका डिफरेंस आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे लीस्ट कॉस्ट, पहले रो वाइज लीस्ट कॉस्ट 1 है और सेकेंड लीस्ट कॉस्ट 3 है, तो इनके जो डिफरेंस है वो 2 है। सेकेंड में 2 लीस्ट एंड 5 सेकेंड लीस्ट, डिफरेंस 3। यहाँ पे 7 एंड 8, एक लीस्ट है एक सेकेंड लीस्ट है, डिफरेंस 1। यहाँ पे भी डिफरेंस 1, यहाँ पे डिफरेंस आ जाएगा 2, यहाँ पे डिफरेंस आ जाएगा 1। ठीक है, अब इस पेनल्टीज में जो लार्जेस्ट पेनल्टी होगा उसकी करस्पॉन्डिंग रो या फिर कॉलम पे असाइनमेंट होगा। यहाँ पे 3 है तो इसकी करस्पॉन्डिंग रो में हमें एलोकेशन करना होगा। अब इसी करस्पॉन्डिंग रो के करस्पॉन्डिंग जहाँ पे लीस्ट कॉस्ट होगा उसी सेल में हमें एलोकेशन करना होगा। तो यहाँ पे 2 जो है ये लीस्ट है, यहाँ पे 1 एंड 5 में से 1 एलोकेट हो जाएगा। ठीक, यहाँ से 4 में अभी भी 4 रिमेनिंग है यहाँ पे। अच्छा, यहाँ पे M1 जो मार्केट था उसका रिक्वायरमेंट फुलफिल हो चुका है, मतलब इसी कॉलम में, और इसी कॉलम में और कोई एलोकेशन नहीं होगा। ठीक है, इसके बाद हमें फिर से पेनल्टीज निकालना होगा। यहाँ पे फिर से ये आ जाएगा 2, यहाँ पे यहाँ आ जाएगा पेनल्टीज 1, यहाँ पे आ जाएगा 1, यहाँ पे भी 1, यहाँ पे भी 1, और यहाँ पे नहीं आएगा। ठीक है, अब इनमें से नहीं, यहाँ पे 2 आ जाएगा, सॉरी, अभी 2 और ये 2 दोनों 2 है यहाँ पे, तो यहाँ पे पेनल्टीज जो है टाई हो गया।
मैक्सिमम पेनल्टीज। अब टाई हो चुका है तो मतलब हम किसी एक की तरफ जा सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो अब अगर इसी पेनल्टीज को चूज करेंगे, तो इसी पेनल्टीज को चूज करेंगे तो पहले रो में एलोकेशन होगा। पहले रो में 3, 5, 8 में से 3 मिनिमम है, तो 3 पे एलोकेशन होगा, कितना होगा 2 और 6 में से 2 मिनिमम है, तो 2 यहाँ पे एलोकेट हो जाएगा। यहाँ से 2 चला गया, यहाँ से 6 से भी अभी 4 रिमेनिंग है, तो और एम टू का रिक्वायरमेंट्स फुलफिल हो गया, तो यहाँ पे और कोई एलोकेशन नहीं होगा एम टू कॉलम में, ठीक है। अब एम फिर से एक बार निकालना होगा, फिर से अगर पेनल्टीज निकालेंगे तो यहाँ से आ जाएगा 3 पेनल्टीज, यहाँ पे आ जाएगा 1, यहाँ पे ये 1, यहाँ पे भी 1, यहाँ पे नहीं आएगा, यहाँ पे भी नहीं आएगा, ठीक है। अब इस पेनल्टीज में से मैक्सिमम 3 है, तो मतलब फर्स्ट रो में एलोकेशन होगा। फर्स्ट रो में 5 और 8 में से 5 मिनिमम है, 5 पे एलोकेशन हो जाएगा, 3 और 4 में से 3 मिनिमम है, यहाँ पे भी 3 एलोकेशन हो जाएगा। एम थ्री का रिक्वायरमेंट्स फुलफिल हो गया, यहाँ से चला गया, मतलब एम थ्री में और कोई एलोकेशन नहीं होगा, यहाँ पे अभी भी 1 रिमेनिंग है, तो ये 1 8 पे एलोकेट हो जाएगा, और ये 4 ये 7 पे एलोकेट हो जाएगा, और 4 और 1 में से ये 5 भी यहाँ से चला गया, मतलब एम फोर का रिक्वायरमेंट्स भी फुलफिल हो चुका है, ठीक है। अब ये आ गया हमारे पास मैम से IBFS, ठीक है। अब यहाँ से IBFS तो हमें मिल चुका है। अब क्या करना है, आप इस IBFS ऑप्टिमल है या नहीं इसको टेस्ट करना है। तो ऑप्टिमलिटी टेस्ट करने के लिए जो मेथड हम अप्लाई करेंगे उसको बोलते हैं मोदी मेथड, ठीक है। तो मोदी मेथड हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे। तो मोदी मेथड अप्लाई करने के लिए सबसे पहले हम यहाँ पे एक बार जहाँ पे एलोकेशन हुआ है वो एक बार देखेंगे, यहाँ पे 2, 3, 1, 4, 1, यहाँ पे एलोकेशन हुआ था 2, यहाँ पे 3, यहाँ पे 1, यहाँ पे आया था 4, और यहाँ पे आया था यहाँ पे 2 में 1 आया था, ठीक है। अब ऑप्टिमलिटी टेस्ट करने के लिए हमारे पास जो पहला स्टेटमेंट होती है, पहले जो स्टेप होती है वो होता है कि EY और VJ को कंप्यूट करना है, ठीक है। EY और VJ को कंप्यूट करना है। अब EY और VJ को कंप्यूट करने के लिए हमारे पास दो फॉर्मूलाज आती है, कि अगर ऑक्यूपाइड सेल्स के लिए, अगर हम ऑक्यूपाइड सेल्स के लिए CIJ होता है EY प्लस VJ के साथ इक्वल, ठीक है, और अनऑक्यूपाइड सेल्स के लिए, अनऑक्यूपाइड सेल्स के लिए DIJ को निकालना होता है, DIJ इज इक्वल्स टू CIJ माइनस ऑफ EY प्लस VJ, ठीक है। अगर यहाँ से अब जब DIJ का वैल्यू जब ग्रेटर इज इक्वल्स टू 0 आ जाएगा फॉर ऑल IJ के लिए, तो अब सॉल्यूशन क्या आ जाएगा, दिस इम्प्लाइज दैट सॉल्यूशन इज ऑप्टिमल। ये होता है हमारा मोदी मेथड, ठीक है। अब यहाँ से EY और VJ को निकालने के लिए मैं यहाँ पे EY लिखती हूँ और यहाँ पे VJ, ठीक है। अब EY और VJ निकालने के लिए जो मेथड है वो है कि जहाँ पे जिस रो और कॉलम वाइज मैक्सिमम एलोकेशन है वहाँ पे 0 रखना है। तो फर्स्ट रो में 3 एलोकेशन है, तो मैं यहाँ पे 0 पुट कर देती हूँ। अगर यहाँ पे 0 होता है तो ऑक्यूपाइड सेल के अकॉर्डिंग यहाँ पे इसी सेल्स के लिए क्या आ जाएगा, इसी सेल्स में यहाँ पे 3 है कॉस्ट, और यहाँ पे ऑलरेडी 0 हो चुका है EY, तो V2 में क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। तभी ये 3 और 0 मिला के 0 आ जाएगा, 3 आ जाएगा 3 और 0 मिला के। फिर सिमिलरली ये 5 के लिए भी, ये 0 यहाँ पे हो गया है तो यहाँ पे 5 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे भी 8 है CIJ, तो यहाँ पे 0 हो गया है तो यहाँ पे भी 8 आ जाएगा, ठीक है। अब क्या करना है, अब इसी सेल्स में 2 है, ठीक है, अच्छा नहीं यहाँ पे 7 है, यहाँ पे 7 है, यहाँ पे ऑलरेडी 8 हो चुका है, मतलब यहाँ पे -1 करना होगा। तभी -1 और 8 को ऐड करेंगे तो 7 आ जाएगा। यहाँ पे -1 हो चुका है तो इसी सेल्स के लिए यहाँ पे 2 है, तो मतलब यहाँ पे 3 करना होगा, तभी 3 एंड -1 यहाँ पे 2 आ जाएगा। तो सारे EY एंड VJ कॉम्प्यूट हो चुका है यहाँ से। अब क्या करना है हमें, सारे अनऑक्यूपाइड सेल्स के लिए DIJ को कॉम्प्यूट करना है, ठीक है। तो ये अनऑक्यूपाइड सेल है, ये अनऑक्यूपाइड सेल है, ये अनऑक्यूपाइड सेल है। अब DIJ को कॉम्प्यूट करने के लिए CIJ - EY + VJ, तो पहले CIJ 1 है और EY + VJ मिला के 3 मिल रहा है हमें, तो यहाँ से यह -2 मिल गया, ठीक है। अब यहाँ पे 3 और -1 ऐड करेंगे तो 2 आ जाएगा, 5 - 2 3, यहाँ पे 5 एंड -1 इसको ऐड करेंगे 4, 6 - 4 2, ठीक है। तो मतलब यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे क्या आ गया कि जो D11 जो है वो -2 आ गया,
जो लेस देन 0 है, तो मतलब क्या है, यहाँ से सॉल्यूशन जो है वो ऑप्टिमल नहीं है। सॉल्यूशन इज नॉट ऑप्टिमल। अब ऑप्टिमालिटी अराइज करने के लिए, आप इसी केस ऑप्टिमालिटी को ऑप्टिमालिटी तक पहुंचने के लिए आप क्या करना होगा, जिस सेल में हमें ये D11, मतलब जिस सेल में हमें DiJ लेस देन 0 मिला है, उसी सेल्स में एक पॉजिटिव क्वांटिटी को एलोकेट करना होगा। तो मैं पहले यहाँ पे ये D11 सेल में एक पॉजिटिव एप्सिलॉन इंट्रोड्यूस कर देता हूँ यहाँ पे, ठीक है। तो इसके बाद क्या करना है, आप यहाँ पे एलोकेट हो गया है, अब क्या करना है, इसी सेल, ये ऑक्यूपाइड सेल, मतलब ये यहाँ पे हमने एलोकेशन किया है, ये सेल अब रिमेनिंग जो ऑक्यूपाइड सेल्स है उसके साथ एक लूप फॉर्म करेगा। तो लूप फॉर्म करने के लिए सबसे पहले हमें हॉराइजेंटली एक ऑक्यूपाइड सेल में जाना पड़ेगा। जहाँ पे हम जाएंगे वहाँ पे हम माइनस एप्सिलॉन पुट कर देंगे। उसके बाद हमें वर्टिकली आना पड़ेगा। अब हम वर्टिकली एक और ऑक्यूपाइड सेल में जाएंगे जहाँ पे हमें प्लस एप्सिलॉन करना होगा। फिर वर्टिकली हॉराइजेंटली हम एक और अनऑक्यूपाइड सेल्स में, ऑक्यूपाइड सेल्स में जाएंगे जहाँ पे हम माइनस करेंगे और फिर से हम उसी सेल्स में बैक करेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से एक लूप फॉर्म हो गया। फिर लूप फॉर्म होने के बाद हमें एप्सिलॉन का वैल्यू चूज करना है, किस तरीके से, कि जहाँ जहाँ पे माइनस था, माइनस एप्सिलॉन था, वहाँ से उसका मिनिमम लेना है। तो यहाँ पे इसी सेल्स में 1 माइनस एप्सिलॉन था और इसी सेल में 1 माइनस एप्सिलॉन था, तो इसी 1 और 1 का जो मिनिमम है ये 1 आ जाएगा, ठीक है। एप्सिलॉन तो मिनिमम 1 आ गया, तो एप्सिलॉन का वैल्यू 1 आ गया, तो हम यहाँ पे पुट कर लेंगे। यहाँ से ये 1 आ गया, ये 2 एज इट इज था, यहाँ पे 3 भी एज इट इज था, यहाँ पे 8 1 माइनस 1 ये 0 हो गया, यहाँ पे 2 में ये भी 0 हो गया, अब यहाँ पे 7 में 4 प्लस एप्सिलॉन, मतलब यहाँ से 5 हो जाएगा। अब हमें फिर से यहाँ पे ऑप्टिमलिटी टेस्ट करना है। ऑप्टिमलिटी टेस्ट करने के लिए UI और VJ को फिर से कंप्यूट करना होगा। तो UI और VJ को यहाँ पे हम कंप्यूट करेंगे, तो यहाँ से UI और यहाँ पे VJ, ठीक है। तो UI और VJ कंप्यूट करने के लिए सबसे पहले जिस रो और कॉलम में सबसे ज़्यादा एलोकेशन है वहाँ पे 0 रखना होगा। तो यहाँ पे 3 एलोकेशन है, तो मैं यहाँ पे 0 यहाँ पे रख देती हूँ। अगर ये 0 होता है तो यहाँ पे VJ ये 1 आ जाएगा, ये 3 आ जाएगा, ये 5 आ जाएगा, ठीक है। अब इस यहाँ पे ये U2 अभी भी नहीं निकाला है और VJ भी यहाँ से अभी भी नहीं आया। तो मतलब इन दोनों को निकालने के लिए, यहाँ से निकालने के लिए एक ट्रिक यहाँ पे करना होगा। यहाँ पे एक्चुअली क्या है कि एक सेल्स को, ये जो सेल्स है, ये सेल अभी नया नया ऑक्यूपाइड सेल बना है, और इस सेल को ऑक्यूपाइड बनाने के लिए दो सेल जो यहाँ पे था, ये सेल 1 4 सेल और 2 1 सेल, ये अनऑक्यूपाइड बन चुका है एक साथ, ठीक है। तो इसीलिए मैं क्या करती हूँ, इन दोनों में से किसी एक को 0 इंट्रोड्यूस कर देती हूँ, 0 कॉस्ट यहाँ पे एलोकेट कर देती हूँ, 0 कॉस्ट। अगर यहाँ पे 0 कॉस्ट एलोकेट कर देती हूँ तो यहाँ से तभी तो हम UI और VJ को निकाल पाएंगे, नहीं तो यहाँ से निकालना पॉसिबल नहीं है, ठीक है। सारे UI और VJ, मतलब यहाँ से V4 और U2 तो नहीं आएगा, तो इसीलिए हमें यहाँ पे 0 इंट्रोड्यूस कर दिया। तो यहाँ पे 0 इंट्रोड्यूस करने के बाद यहाँ पे हमें आ जाएगा, इस तरीके से आएगा, यहाँ पे 0 ऑलरेडी हो चुका है, ये 8 है, तो मतलब यहाँ से 8 तो करना पड़ेगा। अगर ये 8 होता है तो यहाँ पे 7 है, तो यहाँ पे -1 करना पड़ेगा, ठीक है। अब UI और VJ कंप्लीट हो चुका है। अब मैं यहाँ पे DiJ निकालूंगी जो अनऑक्यूपाइड सेल्स था उसके लिए। अगर अनऑक्यूपाइड सेल यहाँ पे ये है, तो ये 1 और ये -1 मिला के 0 है, तो ये 2 माइनस 0 2 आ जाएगा, 3 माइनस 1 2, 5 माइनस 2 3, यहाँ पे 5 माइनस 1 4, 6 माइनस 4 ये 2 आ गया, ठीक है। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, ये आ गया कि सारे जो DiJ है वो ग्रेटर देन 0 आ गया फॉर ऑल IJ। अब सारे DiJ ग्रेटर देन 0 आ गया, तो यहाँ पे जो सॉल्यूशन है वो ऑप्टिमल आ चुका है, ठीक है। सॉल्यूशन जो है ऑप्टिमल आ चुका है। यहाँ पे मैंने M14 में मैंने यहाँ पे 0 इंट्रोड्यूस किया, यहाँ पे पी अगर हम पी ये 2 1 सेल्स में 0 इंट्रोड्यूस करेंगे तभी भी हमें UI और VJ मिलेगा और सॉल्यूशन ऑप्टिमल भी मिलेगा, ठीक है। तो इसी केस में हमारे पास कॉस्ट कितना आ जाएगा, कॉस्ट क्या आ जाएगा जो ऑप्टिमल कॉस्ट होगा। सो ऑप्टिमल कॉस्ट क्या आ जाएगा, दिस इज इक्वल टू ये 1 प्लस 6 प्लस 15 प्लस 0 प्लस 35, ठीक है। तो टोटल
57 ये आ गया हमारे पास ऑप्टिमल कॉस्ट। ठीक है, सो 57 इज द करेक्ट आंसर, 57 इज द करेक्ट आंसर। ये था हमारे पास टोटल 3 क्वेश्चन जो गेट 2018 में आया था। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गुड बाय।